गुस्ता दिनों से हमारी बात ये चल रही है कि अलवर परहेजगारी का कालु़ खाने पीने इन तमाम बातों से होता है इमाम अहमद बिन अहमदुबिन रहमतुल्लाह से पूछा गया कि उस आदमी के खाने से क्या हम लोग खा सकते हैं अगर कोई आदमी ऐसा आदमी दावत दे जो सूत का धंधा करता है तो क्या हम लोग उसके माल से खा सकते हैं तो इमाम अहमद हंबल रहा ने फ़रमाया कि नहीं वैसे आदमी के माल से हम नहीं खा सकते और इसी तरह उलमा से एक फ़तवा पूछा गया कि एक ऐसा आदमी जिसका अक्सर पैसा हराम का है तो ने जवाब दिया कि अगर कोई ऐसा आदमी मेहमान बनाता है जिसका अक्सर पैसा हराम का है तो उसके पैसे से उसकी दावत खाई जा सकती है जब तक कि यह साबित न हो कि ये जो दावत कर रहा है उसी हराम के पैसे से कर रहा है लेकिन वरा परहेजगारी यही है कि उसकी दावत से बचा जाए उसकी दावत में हाजिर नहीं हुआ जाए इसीलिए शेख़ इब्ने बाज़ रहम् कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मामला किया और उनकी चीज़ें ख़रीदी उनका दिया दिया हुआ खाया और हमारे लिए उनके खाने को हलाल किया तो सारी बात का ख़ुलासा इमाम बिन हंबल रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी जिसका पता चलता है कि वादे अंदाज में कि उसका पैसा सूद का है और सूद ही से उसने ये सारी दावत की है तो उससे बचना चाहिए इसी तरह एक और चीज़ जो हमारे साथ है बिन यसार रहा कहते हैं कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख कर रहा था मस्जिद में बेच रहा था तो अक्सर हमारे लोगों से भी ये हालतें ये बात हो जाती है कि कभी मस्जिद में ख़रीदो फरोख्त की बातें हो जाती हैं तो उन्होंने उस आदमी को बुलाया और कहा हादही सूकुल आख़िर ये मस्जिद आख़िरत का बाज़ार है फ़ैन औरत البيع फ़्रुजासुक दुनिया अगर तू कारोबार चाहता है खरीदो वरोत चाहता है तो दुनिया के बाजार की तरफ चले जा वहाँ जाकर तू अपना कारोबार कर इससे भी और एक चीज़ जो बहुत ही अहम चीज़ है सुनने की चीज़ है अहमदुबन रहमतुल्लाह के बेटे अब्दल्ला कहते हैं कि एक दिन मैं अपने अब्बा के साथ घर में था तो दरवाज़ा दरवाज़े पर आवाज़ आई दरवाज़ा पीटा गया तो मेरे अब्बा ने कहा कि देखो कौन दरवाज़े पर है तो मैं दरवाज़े पर गया तो देखा कि एक औरत है उस औरत ने मुझसे कहा कि मुझे आपके अहमद बिन हंबल से सवाल करना है तो मैंने इजाज़त लिया वो औरत अंदर आई और मेरे अब्बा अहमद अहमदुबन हम्बल को उस ने सलाम किया और कहा कि अय हम्बल अबू अब्दाल्ला मैं एक ऐसी औरत हूँ जो धागा बनाती हूँ रात का वक्त जब होता है तो चराग जलाकर धागा बनाती हूँ और चराग में जब तेल ख़त्म हो जाता है तो चराग बुझ जाता है तो मैं चांदनी में बैठकर धागा बनाती हूँ और जब मैं इस धागे को बेचने जाऊं, तो क्या मैं ख़रीदने वाले से कहूं कि मैंने ये धागा दोनों जगह बैठकर बनाया है चराग की रोशनी में और चांद की रोशनी में ताकि ख़रीदने वाला अच्छी तरह देख और समझकर ख़रीद ले इसलिए कि चराग की रोशनी में बनाना धागा अलग होता है बिल्कुल अच्छी तरह दिखता है और चराग जब बुझ जाता है तो चांद की रोशनी में बनाना कभी चांद की रोशनी धीमी हो सकती है तो अहमद हम्बल राम ने कहा कि अगर आप समझती हैं कि इससे क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है तो आपको ख़रीदने वाले को बताना पड़ेगा कि ये ऐसा धागा है जो मैंने दो मुख्तलिफ जगह बैठ कर बनाया है सुबह अल्लाह ये तवर्र है परहेज़गारी है कि कहीं लेने वाला धोखा ना खाए अल्लाह तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि यही तकवा और परहेज़गारी हम अपने अंदर पैदा करें और आखिरी बात इस सिलसिले में मुझे आपके सामने कहनी है नूरुद्दीन जिंकी रह के बारे में बहुत ही मशहूर कायद फ़ातह उनके बारे में इबनिया रह कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगियां पढ़ी और मैंने खुलफाए राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की जो सीरत जैसे देखी वैसी सीरत वाला मैंने किसी को नहीं पाया सिवाय नूरुद्दीन जिंकी के वो जो भी खाते थे जो भी पहनते थे जो भी ख़र्च बर्दाश्त करते थे वो अपनी उस खर्च से निकालते थे जो माले गनीमत में उनको हिस्सा मिलता था वो बादशाह थे लेकिन हुकूमत के ख़ज़ाने से कुछ नहीं लेते थे तो उनकी बीवी के बारे में आता है कि उनकी बीवी ने एक मर्तबा शिकायत किया कि हालात तंगदस्त हैं यानी तंगदस्ती की शिकायत की तो नूरुद्दीन जिंकी ने हिम्स के मुकाम पर जो उनके ख़ास दुकान थे वो दुकान अपनी बीवी को दे दिए कि इसकी आमदनी से घर चलाओ साल भर में बीस दीनार उस दुकानों से आमदनी थी बीवी ने कहा कि ये तो बहुत कम है तो नूरुद्दीन जिंकी रहमहुल्लाह ने जवाब दिया लई सली इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है और जो कुछ मेरे हाथों में है ये मुसलमानों का माल है मैं उसमें खियानत नहीं कर सकता और न मैं तुम्हारी लिए सिर्फ़ तुम्हारे वजह से मैं अपने आप को ना जहन्नम में जला सकता हूँ सुबह अल्लाह ये तकवा है परहेज़गारी है सलफ़ के इन लोगों का तो हमको कितना एहतियात करना चाहिए बच्चों के लिए बीवी के लिए कैसे रास्ते हम इख्तियार करते हैं जिनकी जो हराम चीज़ों पर ख़त्म होते हैं हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं होती बच्चों की खुशी और बीवी की खुशी के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है बिल्ला कुछ बातें इन कल के दरस में हमारे साथ रहेंगी अल्लाह ताला बेहतर बात सुनने और अमल करने की तोफ़ी दे आमीन वालेकम वरकू